दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक और आपके पास है कुछ अनुभव, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है। देख लेते हैं क्या वो नोटिफिकेशन है और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ये अवसर है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मध्य प्रदेश में अपने भोपाल, सागर एवं खरगोन जिला संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षक के पद पर कार्यकरण करने हेतु आपसे आवेदन आमंत्रित करवा रहा है और आपको पहली से 12वीं कक्षा तक अध्यापन कर रहे शिक्षकों की विषय अनुसार उनका क्षमता संवर्धन आपको करना होगा। आवश्यक योग्यता अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि होनी चाहिए, गणित, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास या राजनीति में से किसी एक विषय में। ठीक है, कार्य अनुभव की हम बात करें तो कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपको हो किसी स्कूल, महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान में, और PhD अगर आपके पास है तो कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। साक्षात्कार लिखित परिणाम आने के बाद ही किसी अन्य तिथि पर आयोजित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्राप्त ईमेल की कॉपी, नवीनतम बायोडाटा तथा सरकार द्वारा जारी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ नीचे लिखे स्थान पर पहुंचे। अगर किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन ना कर पाएँ तो अपने बायोडाटा एवं पहचान पत्र के साथ सीधे परीक्षा स्थल पर आ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, तो आप दोनों ये काम कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और जो है ये जानकारी भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है। शहर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र भी ध्यान में रखिएगा। तो आप में से जो भी लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।